सभी को मेरा नमस्कार। आज के इस प्रचार सभा के अध्यक्ष श्री गंगाराम पाटिल जी, यहां के कांग्रेस के बुजुर्ग नेता, सीनियर नेता श्री माजी सांसद सुरेश शेट्टीकार साहब और एक हमारे बहुत ही वरिष्ठ नेता, अभी ये उम्र में भी उनमें इतना जोश है, उनका भाषण सुनते ही लोगों को उत्साह आता है। मेरे साथ हमारे गौसुद्दीन आए हैं, बीदर नगर पालिका के अध्यक्ष हैं गौसुद्दीन, और मंच पे यहाँ के गांव के भाग के क्षेत्र के बहुत से प्रमुख नेता है सब है, और एक हमारे औरत के देशमुख, हमारे परिवार के बहुत ही नजदीक बसवा देशमुख पीछे बैठे हैं। उपस्थित सभी कांग्रेस पक्ष के प्रमुख नेताओं, भाइयों और दोस्तों, आज आप लोग जानते हैं कि आने वाले 30 तारीख को तेलंगाना के विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं। ये चुनाव बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव है, पूरा देश इस चुनाव की तरफ देख रहा है। एक तो अप्रैल महीने कर्नाटक के चुनाव हुए, कर्नाटक का चुनाव भी बहुत ही जिद्दा जिद्दी चुनाव हुआ, जब भी देश देख रहा था क्या होगा कर्नाटक में। आप लोग देख रहे हैं कर्नाटक राज्य के कांग्रेस का एक प्रतिनिधि के नाते मैं और रेणुकांत मंत्री बन के आज कर्नाटक में सरकार चला रहे हैं कांग्रेस की तरफ से, और आपके पास चुनाव में आए। आज जहीराबाद लोकसभा क्षेत्र जुक्कल हो ये गांव को पकड़ के बीजेपी कोई अलग अलग नहीं है। पहले आपके नारायण कैंप बीजेपी का एक भाग था, जहीराबाद बीजेपी का एक भाग था। हमारा संस्कृति, हमारी परंपरा, हमारा उठना बैठना, हमारे त्योहार, हमारा सब कुछ एक जैसा है, रिश्तेदारी है, आना जाना है, व्यापार है, तो कोई बदलाव नहीं है। तो भाइयों दोस्तों, मैं भी जो बीदर से रहने वाला हूं, अभी अभी शंकर जी ने बताया मेरे पूज्य पिताजी भीमन्ना खंडरे जी, अभी उनके 100 साल हो गए, कांग्रेस में मंत्री हो गए, विधायक हो गए, विधान परिषद के सदस्य हो गए, उन्होंने सेवा किया। तो आज यहाँ के अपना शंकर साहब, यहाँ के आज यहाँ शिवराज शंकर साहब, ये सब हमारे यहाँ के इस बात के विमोचन के लिए, इस बात के संघर्ष करें, इस बात के तरक्की के लिए, ये हमारे लक्ष्मीकांत राव जो इनके लिए हम प्रचार में आए, आज आपके सामने आए। मुझे पूरा पूरा विश्वास है कि इस बार आप लक्ष्मीकांत राव को, कांग्रेस के उम्मीदवार को प्रचंड मत से उनको विजय दिला रहे हैं। दोस्तों, हमारे बुजुर्गों का जो कांग्रेस पार्टी का देन है, याद करना चाहिए। ये बात इसलिए बोल रहा हूं कि हमारे विरोधी लोग बार बार बोलते हैं, अरे भाई कांग्रेस ने क्या किया, क्या नहीं किया भाई कांग्रेस। आज यहां पर जो कुछ भी आप प्रगति देख रहे हैं, विकास देख रहे हैं, अरे आजादी के समय में क्या था, कुछ नहीं था, ना सड़क था, ना पीने का पानी था, ना शाला था, ना अस्पताल था, ना रोड थे, ना बिजनेस थे, ना विश्वविद्यालय था, ना नौकरी था, खाने को हलाल नहीं था, क्या था भैया। ये सब कौन बनाया, कांग्रेस ने बनाया ना, याद करिए आप।
इस देश की आजादी के लिए त्याग किए, बलिदान किए, इंदिरा जी अपना खून दर किए, राजू जी बलिदान हुए, क्या टीआरएस वाले बीजेपी वाले कोई बलिदान दिए क्या? कुछ नहीं किए वो लोग। जो भवन है, जो भी कांग्रेस वाले बनाए, हम बनाए बोल के बोर्ड लगा के फिर रहे हैं, कुछ नहीं है। भाइयों दोस्तों, आज कर्नाटक में किस तरह से आप देख सकते हैं, कर्नाटक की जनता भ्रष्ट बीजेपी सरकार को जड़ से उखाड़ फेंकती है और चुनाव में 136 विधायकों को जीत किया है। और आज हमने जो भी गारंटी दिया, जो भी भरोसा दिया, वो पूरा भरोसा हम आज अनुष्ठान में लेके आ रहे हैं, पूरा अमल में लेके आ रहे हैं। तो आप तेलंगाना में देखिए, आज तेलंगाना गलत राज्य होना बोल के आपका संघर्ष था। विचार करिए कि अलग राज्य कौन बनाए, क्या कांग्रेस सोनिया गांधी बनाए, दूसरे लोग बनाए, सोनिया गांधी ने बनाए ना। तो आज केसीआर कांग्रेस को धोखा देके, कांग्रेस में सोनिया गांधी के पीठ में छुरा बोन के, गद्दारी विश्वासघात करके अधिकार में आए। क्या सोनिया गांधी और कांग्रेस ने जो उपकार किया, उपकार का स्मरण करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? सबको मौका है भाइयों, 10 साल अधिकार में आए। कैसे आप पूरे परिवार का एक काम, दूसरा कुछ नहीं है, यहाँ लोकतंत्र नहीं है, तानाशाही चल रहा है, ब्रह्मांड भ्रष्टाचार चल रहा है। एक तरफ हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर साइंस का मजिया चल रहा है आपके क्षेत्र में, या मानसा के यहाँ पर जो भी चलता है, हम सब लोग उनको मालूम होता है। आज यहाँ पर जमीन का घोटाला, जमीन का माफिया है, शराब का माफिया है, खुद्देदारों का माफिया है। इन्होंने कालेश्वरम जो योजना बनाया, उसमें कितने 7 करोड़ रुपए लूटी गए। अगर तहकीकात करें तो एक बार जेल में गए तो फिर वापस नहीं आएंगे, ऐसी हालत रहेगी। 10 साल तक आपके इस तेलंगाना का पूरा पैसा लूटे, सब कुछ करे, आज करके फिर अधिकार में आने का जो ना वो लोग सोच रहे हैं। मैं देख रहा हूँ, मुझे यहाँ पर जहराबाद लोकसभा क्षेत्र का जो ना वीक्षक उस्तुवारी बनाया है पार्टी ने, मैं जब आम यहाँ पर आके देखा, क्योंकि हमें इन्फॉर्मेशन आते रहता है, पूरे तेलंगाना भर में कांग्रेस का लहर है, एक सुनाने के कैसा लहर चल रहा है। तो आज जो जितने 132 सीट है तेलंगाना में, 132 सीट में कम से कम 75 सीट कांग्रेस जीत गए। भाइयों दोस्तों, जब कांग्रेस सरकार बना रहा है, आपका उम्मीदवार कांग्रेस का विधायक एमएलए होना क्या नहीं होना, होना ना एमएलए होना है तो लक्ष्मण को लक्ष्मीकांत राव को सपोर्ट करना है। लक्ष्मीकांत राव को आप पूरे बहुमत से चुना गया है, तो आपका विधायक सरकार में रहेगा, मंत्री बन सकता है, आपका पूरा काम भी कर सकता है। दोस्तों, आज शंकर साहब है यहाँ पर, वो भी ठहर सकते थे, हमारे नारायण गेट से उनको भी टिकट दिया गया था, फिर भी उनका परिवार ही त्याग करने वाला परिवार है, उन्होंने बड़ा दिल किया, उनको आया जो फॉर्म उनके और एक कांग्रेस के प्रमुख नेता को दिए, संजू रेड्डी को देख के बोले ठीक है भाई तुम विधायक बनो। आगे पार्टी ने बोला आज आप लोग काम करिए, आने वाले लोकसभा से भी बड़ा चुनाव है, आपको भी काम। तो आज शंकर साहब अगर एक सीट जीतेंगे तो शंकर साहब भी लोकसभा का सांसद बनना है या नहीं बनना, अगर उनको भी बनाना है तो आपको तय करना चाहिए कि आपका अमूल्य वोट कांग्रेस को ही देना चाहिए। इसलिए भाइयों दोस्तों, आज कांग्रेस पार्टी ने जो भी गारंटी दिया, 6 गारंटी हमने दिया, अब बहुत कुछ अफवाह चल रहा है, बहुत कुछ हर तरफ अपप्रचार चल रहा है, क्या बोल रहे हैं
अरे बोल रहे हैं कि कर्नाटक में कांग्रेस ने जो गारंटी दिया वो पूरे गारंटी अमल में नहीं लाए। ये सब सफेद झूठ है, झूठ के ऊपर हमारे विरोधी लोग जिंदा हैं। याद रखिए, मैं कर्नाटक हूँ, हमारे बसवंत देशमुख कर्नाटक के हैं, हमारे रमेश कुलकर्णी हैं क्या नहीं, वो भी कुलकर्णी भी कर्नाटक के नजदीक के हैं, उनके रिश्तेदार हैं, आपके भी रिश्तेदार यहाँ पर औरत में हैं, यहाँ पर चिंता के में आप पूछ सकते हैं। हमने कहा था हमारी सरकार आने के बाद हर एक परिवार के महिला को मुखिया को 2,000 रुपए उनके बैंक के खाते में जमा करके जमा की, पूरे से करोड़ों परिवार को 2,000 रुपए उनके खाते में जमा करें। हर साल 36,000 करोड़ रुपए बजट में हम वो अनुदान रखे हैं। बोल सकते हैं आप, आज हमने कहा था 5 किलो चावल ज्यादा दे देंगे, हमने बाकी तय कर ले। केंद्र सरकार अपने गुणों से चावल नहीं देते बोले तो हर व्यक्ति को 4 करोड़ लोगों को हर महीने को हम 170 रुपए उनके खाते में जमा कर रहे हैं। कितने महीने को 600 करोड़ रुपए जा रहा है। तो भाइयों दोस्तों, 200 यूनिट तक करंट फ्री करंट करोड़ों लोगों को, हम जो भी 200 यूनिट से कम उपयोग करते हैं उनको जो है फ्री करंट दे रहे हैं। आप पूछ सकते हैं हम जो बोले थे बेरोजगार युवकों को बेरोजगारी भत्ता देने का, जिनको डिग्री होने के बाद 6 महीने तक रोजगार नहीं मिलता उनको डिप्लोमा करे वालों को 1,500 महीने को, डिग्री करे वालों को 3,000 2 साल तक वो देने का योजना अब जनवरी में हम उसको लागू करें। और पूरे प्रकार के राज्य में जितने भी महिला है, चाहे वो बीपीएल हो एपीएल हो, सभी महिलाओं को सरकारी बस में फ्री प्रयाण करने का व्यवस्था कर्नाटक की सरकार ने किया। आप पूछ सकते हैं किसको भी कोई महिला, हम लोग फ्री उनको जाना वहां पर प्रवास करने के लिए प्रयाण करने के लिए हमने व्यवस्था किया है क्या नहीं किया। आज तक 6 महीने में 100 करोड़ महिलाएं, आज तो कल ही उसका हमने जश्न मनाया, 100 करोड़ महिलाएं जो देवालय जा रहे हैं, वो अपने घर को जा रहे हैं, बैंक जा रहे हैं, कहीं भी प्रवास को प्रवास उद्यम के लिए जा रहे हैं, तो ये जो भी सुविधा है हमने जो भी कहा है बहस हो, हमने जो भी वायदा किया है वो वायदा हमने निभाया है। भाइयों, कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जो कि हर जात के हर भाषा धर्म के लोगों को अपने साथ में लेके जाने वाली एक ही पार्टी अगर कोई है वो सिर्फ कांग्रेस पार्टी है। कोई दूसरा नहीं, आज टीआरएस हो या टीआरएस जो भी बोलते हैं आप, ये बीजेपी का भी टीम है। याद रखिए, और मजलिस ये बीजेपी का सी टीम है और बीएसपी बीजेपी का डी टीम है। ये पूरे इसलिए आपको विचार करना है, आपकी भलाई के लिए, आपकी प्रगति के लिए, सभी के उद्धार के लिए, समाज में भाईचारा रहना, सामरस्य रहना, सभी लोग प्रगति की ओर जाना, विकास की ओर जाना है, ये जो है सुस्थिर सरकार बनाना है, प्रगति की ओर जाने वाला जो है ना राज्य बनाना है। तो आज श्री सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी के नेतृत्व में यहाँ पर रेवंत रेड्डी है और भी कई लोग प्रमुख नेता है, सभी के मुखटत्व में कांग्रेस पार्टी के जो उम्मीदवार लक्ष्मीकांत राव है, 30 तारीख को आप कोई विचार मत करिए। आज हमारे लिंगायत समाज के सभी भाइयों को मैं कहना चाहता हूँ, अगर लिंगायत पिछले हुए वर्ष में किसी में अगर आया है तो वो सुरेश शंकर की बहनर और कांग्रेस में वाईएस राजशेखर रेड्डी रहे, जब पिछले वर्ष में बीसी में लाने की वजह से कई लोग ग्राम पंचायत मेंबर बने करें, कई लोग जिला पंचायत तालुक पंचायत मेंबर बने, शिक्षण में उद्योग में उनको आरक्षण मिला, इसी तरह आज जितने अल्पसंख्यक माइनॉरिटीज हैं, जितने भी माइनॉरिटीज हैं उनको अगर 4%
रिजर्वेशन मिल रहा है, आरक्षण मिल रहा है, उसका भी श्रेय कांग्रेस पार्टी को जाता है। ये बिहार इसको सिर्फ झूठ बोलने वाली पार्टी। आप आरक्षण ज्यादा दे तो बोले दिए क्या, मकान दे तो बोले पूरे डबल बेडरूम मकान, एक मकान दिया क्या वहां आने के बाद? अगर गरीबों को जिसको भी बस्ती नहीं है, जिसको भी निवेशन नहीं है, अगर कोई मकान दिया तो भी कांग्रेस पार्टी दिया है। याद रखिए, आज इतने सड़कें बने हैं, इतने हाईवे बनाए, सुरेश सरकार ने जब जो योजना बनाए वही योजना अभी तक चल रहा है, आप लोग देख सकते हैं। इसलिए तेलंगाना की भलाई के लिए, चुटल मध्य क्षेत्र की भलाई के लिए, बड़े एक अच्छा पढ़े लिखे एक जनवान एक बुद्धिवान जन हमारे लक्ष्मीकांत राव कांग्रेस ने चुना है, उनको उम्मीदवार बनाया है, हम सब लोग उनके फेवर में प्रचार करने के लिए आए हैं, तो मैं आपके बाजू ही हूँ। इधर में कोई भी तकलीफ है कुछ भी रहे तो आप कभी भी किसी भी वक्त मेरे पास या रहीम खान के पास आ सकते हैं, हम आपका सेवा करेंगे। और कांग्रेस ने जो 6 गारंटियां दिया, एक तो जो महंगाई बढ़ गई है, सिलेंडर का भाव बीजेपी आए तो 400 में दे तो बोले, 300 में दे तो बोले, कांग्रेस सरकार में रहे जब कितना था सिलेंडर का भाव? 400 तो आप कितना हुआ है? अगर फिर कांग्रेस यहाँ पर आए तो कितने में देंगे? 500 में देंगे, 500 में। याद रखिए 200 रुपए तक बिजली फ्री में, मुफ्त में बिजली दे देंगे, 2000 रुपए एक एक महिला को उसके घर के उसके अकाउंट में भर्ती करने का योजना, महिला समिति आज किसानों के लिए योजना बनाए, फिर ब्याज मुक्त, कोई ब्याज नहीं उनको देना, कर्जा लेने का योजना हमने बनाया है, उसके साथ साथ हमारे युवकों के लिए विद्यार्थियों के लिए 5 लाख तक उनको जो है ना शिक्षण करने के लिए उनको मदद करने का योजना हमने बनाया है, उसके साथ साथ मकान के लिए जिनको मकान नहीं है, निवेशन नहीं है, उनको एक एक मकान को 5 लाख रुपए साल में दान देने का योजना। और कांग्रेस जो भी बोले हैं, जो भी वायदा करे बाकी हमने दिखाया है। टीआरएस ये लोग लूट के आपके एक एक तेलंगाना के व्यक्ति के ऊपर आज पूरे तेलंगाना के ऊपर 5 लाख करोड़ कर्जा है। कितना है? 5 लाख। तेलंगाना बने जब कर्जा था क्या? कौन था ये कर्जा? कौन चुकाना भैया? एक एक व्यक्ति जो भी है तेलंगाना का, पहला जन्म होने वाला बच्चे के सर के ऊपर भी 2-2 लाख रुपए कर्जा केसीआर ने आपके ऊपर बना के छोड़ के खुद लूटपाट किया है, आपके लिए कुछ नहीं किया। याद रखिए आप लोग सब लोग एकजुट होके आप घर घर को जाके प्रचार करिए। 2-4 दिन रहे जब खतरा रहेगा, कसम रात के बोलते हैं ना, आज के मुद्दे पूरे इधर उधर पैसों के बल पे लालच पिला दिखा के दिशापुर करके फिर आपका वोट हासिल करना चाहते हैं, फिर एक बार अगर आए तो तेलंगाना खत्म, फिर आप कोई डेवलपमेंट नहीं दे सकते हैं। सरकारी नौकरों को जरा यहाँ पर सैलरी देने के लिए इनके पास पैसा नहीं रहेगा, जंगल राज करेगा। ये जो कुशासन है इनका, ये कुशासन जाके सुशासन आना है तो कांग्रेस का चिन्ह हाथ है, हाथ के ऊपर बटन दबा के हमारे उम्मीदवार को प्रचंड बहुमत से विजय कराइए। गुट के मैं आपको विनती करके जय जय कांग्रेस।